हेलो देयर, वेलकम टू नेचुरल राइड, वेलकम टू न्यू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होगा वो होगा शिमानो डियोरे सीरीज का डिरेलर को लेके, मतलब जो आरडी है रियर डिरेलर को लेके, इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स मैंने अपग्रेड किया है बाइसाइकिल में, तो उसके अंदर एक ए डिरेलर भी था, मतलब ये रियर डिरेलर भी था। तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये जो डिरेलर आप देख पा रहे हैं ये एक 11 स्पीड का डिरेलर है, लेकिन इसे मैं यूज कर रहा हूँ अपने 10 स्पीड सिस्टम के साथ। मतलब ये जो आप कैसेट देख पा रहे हैं, ये जो कैसेट है ये 10 स्पीड का कैसेट है, ठीक है। ये भी शिमानो डियोरे सीरीज का ही है, इसका जो मॉडल नंबर है ये शिमानो डियोरे M4100 है, और ये जो डिरेलर है इसका मॉडल नंबर है शिमानो M5100 है। मतलब ये 11 स्पीड का डिरेलर है, लेकिन ये जो कैसेट है ये 10 स्पीड का है। फिर भी मैं यहाँ पे जो इसको यूज कर रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी शिफ्टिंग परफॉर्मेंस है, मतलब कोई भी लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। और अब लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकती है कि ये कैसे वर्क करती है, मतलब 11 स्पीड डिरेलर लेकिन 10 स्पीड कैसेट, ये तो वर्क नहीं करना चाहिए था, लेकिन कैसे काम करते। देखिए ये काम करेगा और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका जो चेन है, ये जो चेन आप देख पा रहे हैं, ये चेन आपको 10 स्पीड यूज करना है, मतलब ये जो कैसेट है उसके हिसाब से आपको चेन यूज करना है। तो ये 10 स्पीड कैसेट है, तो यहाँ पे जो चेन है मैं यहाँ पे 10 स्पीड चेन ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप डिरेलर देख पा रहे हैं ये 11 स्पीड का है, फिर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। सो हमारा आज मेन जो टॉपिक है वो है इस डिरेलर के बारे में, मतलब इस डिरेलर के जो क्लच सिस्टम है, ये जो क्लच आप देख पा रहे हैं इसको क्लच बोलते हैं, तो इस क्लच सिस्टम के बारे में, मतलब क्लच के जो फंक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो डिरेलर, मतलब आप देख पा रहे हैं ये जो शिमानो का डियोरे सीरीज का जो डिरेलर है, तो शिमानो का डियोरे सीरीज से ही आपको जो जितने सारे अपर तक डिरेलर वगैरह परचेस करेंगे आरडी वगैरह, उसमें आप हर डिरेलर में आपको एक यहाँ पे एक क्लच मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे ये जो क्लच है ये आपको हर एक डिरेलर, मतलब आप डियोरे के बाद आप SLX बोलिए, एक डियोरे XT बोलिए, XTR बोलिए, सारे में आपको यहाँ पे क्लच मिलेगा, लेकिन उससे आगे आपको पीछे आपको नहीं मिलेगा। मतलब उससे पहले जो डिरेलर आता है, मतलब जो एंट्री लेवल चीप लेवल आती है, मतलब जो एल्टास एसेरा एलिवियो वगैरह, उसमें आपको ये क्लच सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि डियोरे सीरीज जो होता है उसको प्रॉपर MTB का ड्राइव ट्रेन माना जाता है, मतलब डियोरे सीरीज से स्टार्ट होता है। अगर आप प्रॉपर MTB ड्राइव ट्रेन लेना चाहते हैं तो आपको डियोरे सीरीज ही लेना पड़ेगा, उससे नीचे जो डिरेलर वगैरह आते हैं वो नॉर्मल चीप लेवल जो बाइक होता है उसमें आपको इंस्टॉल हुआ मिलेगा, वो प्रॉपर MTB में लगा हुआ होता है, लेकिन वो प्रॉपर MTB ड्राइव ट्रेन नहीं होता है। अभी हम इस डिरेलर की जो फंक्शन की बात करते हैं, देखिए ये जो क्लच फंक्शन आप देख पा रहे हैं ये क्लच फंक्शन आपको डियोरे सीरीज से मिलता है। तो ये जो क्लच फंक्शन है इसकी थोड़ा सा मेकानिज्म के बारे में बात करते हैं, और ये क्लच कैसे वर्क करती है, मतलब ये क्लच का यहाँ पे ज़रूरत क्या है, ये आपको अगर ये क्लच मिलेगा तो मतलब इसका फ़ायदा क्या होता है, क्लच जो मिलती है इसका काम क्या होती है, उसका फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे जो क्लच आप देख पा रहे हैं, ये जो क्लच ये अभी ऑफ पोजिशन में है, और इसको आप अगर इसको प्रेस करके आप ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर तो ये ऑन हो गया क्लच, ठीक है। तो ऐसे करके ये ऑन ऑफ होता है, इसका दोनों पोजिशन होता है। तो इस क्लच का फंक्शन आपको बताते हैं। अभी देखिए, अभी क्लच को मैंने ऑफ रखा है, इसका पोजिशन देखिए ऑफ है नीचे की तरफ। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो आप केज देख रहे हैं डिरेलर केज, इसको डिरेलियर केज बोलते हैं, तो इस केज को आप हाथ से यहाँ पे प्रेस करेंगे। देखिए अभी क्लच जो है ऑफ है, तो देखिए प्रेस करते हैं, देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए आराम से। आपको थोड़ा सा और फोकस थोड़ा सा ठीक से दिखाता हूँ आपको, देखिए शायद आप लोग देख पा रहे थे, चेन को आप नोटिस करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये जो डिरेलर केज आप देख पा रहे हैं, देखिए आराम से, देखिए थोड़ा बहुत टाइट है। देखिए जो डियोरे सीरीज का जो डिरेलर होता है उसका जो केज होता है, मतलब उसके जो केज वगैरह होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। देखिए नॉर्मली जो प्रेस करते हैं आप, नॉर्मली टर्नी ऑल्टस और एसेरा वगैरह जो एलवी वगैरह होता है उसका केज को आप प्रेस करेंगे बहुत ही ईजिली, ऐसे प्रेस करेंगे तो ईजिली इतना तक आ जाएगा, लेकिन ये जो केज है बहुत ही हार्ड होता है। देखिए नॉर्मली क्लच जो है ऑफ पोजिशन में होता है, ठीक है, ऑफ पोजिशन में है अभी तक, देखिए बहुत ही हार्ड होता है, मतलब प्रेस करने में बहुत ही हार्ड है, ठीक है, मतलब फिर भी मूव हो रहा है, देखिए केज मूवमेंट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए। तो अभी फंक्शन ये होता है कि जब आप क्लच को ऑन करेंगे, मतलब ये जो क्लच है, देखिए क्लच को मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन पोजिशन में है, तो अभी केज जो है डिरेलर केज मूवमेंट नहीं होगा। आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेस करूँ, देखिए बहुत ज़्यादा प्रेस करूँ, देखिए थोड़ा भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब कितना तक जा रहा है, देखिए मूवमेंट नहीं हो रहा है, देखिए देखिए बहुत ज़्यादा प्रेस करें, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तब जाके मूवमेंट, देखिए बहुत ही टाइट है, ठीक है। तो ये क्लच का फंक्शन ही होता है, तो आपको डिटेल में समझाते हैं ये ऐसा फंक्शन क्यों देते हैं।
लेकिन ये SRAM के ड्रिलर में आपको नहीं मिलेगा, ये क्लच सिस्टम को SRAM के ड्रिलर में नहीं मिलेगा। SRAM के जो ड्रिलर आते हैं उसमें आपको अलग एक फीचर्स मिलते हैं, जिसमें ये जो केज है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो केज है, मतलब ये जो केज है आप इतना तक रह के, मतलब इतना तक यहाँ पे लाकर फिक्स करना चाहते तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें SRAM के जो ड्रिलर है उसमें क्लच नहीं मिलता है, लेकिन वो फीचर्स आपको मिलेगा। लेकिन Shimano के इस ड्रिलर में आपको वैसे फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन इसमें आपको क्लच सिस्टम मिलता है। तो इसके डिटेल में बात करते हैं। देखिए क्लच सिस्टम का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, उसको जब आप मतलब डाउनहिल वगैरह राइड वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते में जाते हैं, या ट्रेल्स जो होते हैं, ट्रेल्स में जो राइड करते हैं, तो उसमें एक होता है बहुत ज़्यादा बम्पी राइड्स होता है, मतलब गड्ढे वगैरह होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि चेन जो है, मतलब आप ऊपर नीचे की जो चेन है, नीचे का चेन छोड़ दीजिए, ऊपर वाले जो चेन का पोजीशन आप देख पा रहे हैं, तो ये चेन आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो आपका चेसी है, फ्रेम का जो ये चेसी, ये वाला पार्ट जो है, इसमें आपका चेन जो है ये टकराता है ऐसे करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा टकराता है। देखिए तो अभी मैंने क्लच को देखिए ऑफ ऑफ ऑन पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में रखा, देखिए नीचे की तरफ आप शायद देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए नीचे की पोजीशन में। तो इससे क्या होता है कि देखिए एक्चुअली डीओरे का जो केज मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो आपको यहाँ पे हार्ड थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन आप नॉर्मली जो टोर्नी अल्टा सेसेरा जो एलिव्यू जो गियर सिस्टम होता है, मतलब डीरेलर जो होता है, उसका आप चेक करेंगे तो उसमें चेन जो है इतना हार्ड आपको नहीं मिलेगा, और भी लूज मिलेगा, मतलब आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इजीली मैं पे थोड़ा सा जोर लगा के प्रेस कर रहा हूँ, देखिए बहुत ही हार्ड है। तो इससे क्या होता है कि जब आप बम्पी राइड्स करते हैं, बम्पी राइड्स में क्या होता है कि चेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे टकराता है, बार बार करके टकराता है, तो इससे प्रॉब्लम है होता है कि चेन सॉरी फ्रेम का जो ये कलर है, मतलब यहाँ पे पेंट जॉब खराब होता है इसका, और फ्रेम डैमेज भी हो सकता है। अब बहुत दिनों से ऐसे राइड कर रहे हैं, बम्पी राइड्स कर रहे हैं, चेन बार बार यहाँ पे टकरा रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो पेंट जॉब है ये ख़राब हो जाएगा, आपका फ्रेम जो है ये डैमेज हो सकती है, चेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये जो चेन बार बार इस फ्रेम में टकराती है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एक प्रॉब्लम है कि बार चेन जो है सिंगल, मतलब फ्रंट वन बाई जो सेटअप होता है उसमें चेन ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप क्लच को ऑन करके रखेंगे, चेन बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा, तो चेन आपका बार बार ड्रॉप नहीं होगा, चेन गिरेगा भी नहीं। तो यही जो दो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए जो क्लच फंक्शन है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप अगर क्लच को ऑन करके रखेंगे तो चेन आपका टाइट रहेगा और केज जो है मूवमेंट नहीं करेगा, और केज मूवमेंट नहीं करेगा तो चेन लूज होएगा नहीं, तो उससे क्या होगा कि चेन जो है यहाँ पे टकराएगा नहीं, और चेन जो है गिरने का चांसेस भी नहीं है। मतलब बार बार क्या होता है कि फ्रंट जो क्रैंक सेट होता है, फ्रंट जो चेंजिंग होता है, उससे बम्पी राइड्स में क्या होता है कि चेन बार बार उतर जाती है, गिर जाती है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है राइडर को। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपको दे दिया गया है, तो आप इसका यूज करके आप आराम से राइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो शायद आपको पता चल गया कि ये जो क्लच है इसका एक्चुअली ये किस काम के लिए यूज होता है, उसको इसका यूज जो है कैसे करना है, शायद आपको पता चल गया है। और अभी हम जानेंगे ये जो क्लच है, आप देख पा रहे हैं इसका मेकानिज़म जो है, मतलब वर्किंग मेकानिज़म जो है, मतलब पूरे जो सिस्टम है इसके अंदर है, मतलब ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे तीनों बोल्ट है, 1, 2 और 3, तो इस 3 बोल्ट को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ये जो क्लच का जो मेकानिज़म, अंदर का जो मेकानिज़म है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं और क्या काम होते हैं अंदर। तो चलिए इसको फटाफट से रिमूव कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये 2 नंबर का एलन की है, मतलब 2 mm का जो एलन की आते, इसकी मदद से आप इस तीनों जो बोल्ट है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों बोल्ट को रिमूव कर लिया है, और इसके बाद धीरे से आपको यहाँ पर निकालना है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका कवर है, और इसके अंदर का मेकानिज़म आप देखिए कैसे है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एक सिस्टम है, मुझे कुछ इसका अंदर, मतलब अंदर का जो मेकानिज़म है उतना अच्छा मुझे पता नहीं है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ वर्क कैसे करती है। देखिए यहाँ पे एक आपको एक देखिए एंकर टाइप का मिल रहा है, देखिए गोल आपको राउंड का, देखिए छोटे छोटे देखिए। तो जब आप क्लच को यहाँ पे देखिए ऑन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप इस जगह पे नोटिस करेंगे टोटल जो जगह, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लच को ऑन करेंगे, देखिए ये हो गया। तो अगर आप केज को मूवमेंट करेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्लच को ऑफ पोजीशन में रखते हैं, ये देखिए ऑफ हो गया। अभी आप केज को मूवमेंट करके देखते, देखिए जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको इस पोजीशन में नोटिस करना, देखिए यहाँ पे आप नोटिस करिए, देखिए एक बार मूव किया
देखिए वो एक जगह फिक्स हो गया, थोड़ा सा घूम गया, जब हम मूव कर रहे हैं केज को थोड़ा सा मूव करिए, देखिए मूव किया, अगर मैं केज को छोड़ दूंगा तो केज दोबारा वापस अपने जगह चला जाएगा, लेकिन ये जो फंक्शन देख पा रहे वो अपने जगह पे फिक्स हो रहा है। देखिए ये घूम रहा है लेकिन ये फिक्स हो रहा है वापस, मतलब बैक में नहीं घूम रहा है, ठीक है, एक बार घूम के फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो आप फिर से नोटिस कीजिए, देखिए मैं केज को मूवमेंट किया, देखिए छोड़ दिया केज को, देखिए ये फिक्स हो गया, मतलब इसका फंक्शन ऐसे ही है, आप समझ लीजिए। तो ये ऐसे काम करता है, और इसके नीचे आपको यहाँ पे देखिए एक स्क्रू है, तो इसे आप अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो इससे क्या होता है कि आपका जो ये केज जो है और भी हार्ड हो जाएगा मूवमेंट करना, ठीक है। जब आप क्लच को ऑन करेंगे, मतलब क्लच को ऑन करके रखेंगे, तो अब जब केज को मूवमेंट करेंगे तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ज़्यादा, अभी क्लच ऑन ऑफ है तो ऑफ पोजिशन में इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये क्लच जो है, मतलब सॉरी जो केज जो है ये मूवमेंट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, देखिए इस 2 mm की जो एलन की बोल्ट है, एलन की जो है इसकी मदद से इस बोल्ट को टाइट करते, तो टाइट करते वक्त देखिए टाइट करने के बाद शायद ये जो केज है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अभी क्लच जो देखिए ऑफ पोजिशन में, देखिए नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा टाइट करेंगे इसको, एक टर्न दो टर्न घुमा दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो केज है इसको देखते हैं मूवमेंट करके, देखिए अरे बाप रे ये तो बहुत ही टाइट हो गया, मतलब क्लच देखिए बहुत ही मतलब क्लच जब ऑफ है फिर भी इतना टाइट है, तो अगर हम क्लच को ऑन कर देंगे तो इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए ये नीचे तक नहीं जाएगा। इसका फंक्शन ऐसे होता है, अगर अपने हिसाब से इसको आप टाइट और लूज कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं केज बहुत ही आपको स्मूथ रखना है तो आपको थोड़ा सा आपको लूज रखना है, अगर आप चाहते हैं केज थोड़ा सा हार्ड रखना है तो आप इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइट कर दिए, देखिए यहाँ पे देखिए केज मूवमेंट बहुत बहुत हार्ड है, थोड़ा सा आपको पास से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखिए आप केज को प्रेस करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अगर इसको थोड़ा सा और टाइट कर देंगे, यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा सा और टाइट कर देंगे तो ये बहुत और भी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्लच को क्या करेंगे, अभी इस पोजिशन में क्लच को टाइट करने, मतलब ऑन करने की कोशिश करते, देखिए बाप रे यहीं से ही हार्ड लग रहा है, मतलब क्लच को अभी जो पहले किया था कि इतना तक, मतलब इतना तक स्मूथ था, लेकिन यहीं से हार्ड हो रहा है, देखिए। और इसको पूरा प्रेस करने में तो बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ रही है। तो अभी देखते हैं केज का क्या हाल है, बहुत मतलब इतना टाइट हो गया कि आप इतना भी बहुत, मतलब मेरा पूरा कोशिश लगा रहा हूँ ये फिर भी काम नहीं कर रहा है, मतलब इतना तक आ रहा है, मतलब मूव नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। अगर मैं फिर से इसको लूज करता हूँ, मतलब क्लच को ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, क्लच ऑफ हो गया ये, अभी देखते हैं बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, इसका फंक्शन यही होता है, देखिए अपने हिसाब से करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए तो फिर आपका शिफ्टिंग जो है आपको शिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे, इतना टाइट हो जाएगा। तो आपको इसे लूज ही रखना है, और तो इसके हिसाब से अगर थोड़ा सा आपका लूज है, मतलब बहुत ज़्यादा केज इतना, मतलब इजीली मूवमेंट हो रहा है, तो आप इसको खोल लें, मतलब ये तीनों बोल्ट खोल के आप इसके अंदर, ये आपको ऐसे बोल्ट आपको दिखाई देगा, तो इसको आपको थोड़ा सा टाइट करना है, थोड़ा सा टाइट करके चेक करना है कितना हो रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो प्रॉब्लम होगा, आपको ये चेक कर लेना है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो सिस्टम है इसके ऊपर ज़्यादा छिड़कानी मत कीजिए, यहाँ पे एक ट्यूब टाइप का है, गैसकेट टाइप का लगा हुआ है, देख सकते हैं, ये आपको संभाल के रखना पड़ेगा, मतलब ये आपको लगाना ही पड़ेगा, ये अगर आप खो दिए कहीं पे तो गए आपका, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बाहर का जो डार्ट वगैरह है सब कुछ चला जाएगा, डस्ट वगैरह जाएगा, तो ये ख़राब हो सकती है, तो आपको संभाल के रखना पड़ेगा। और इसे आप ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, मतलब अगर आपका आपके जानकारी है तो, मतलब आप जानते हैं इसके बारे में तो ठीक है, नहीं तो आप इसको खोलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा इसके अंदर जो मेकानिज़म है इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जैसे थे मैं इसे उसको ऐसे ही कर देता हूँ, इस जो नट है जो बोल्ट है इसको थोड़ा सा लूज कर देता हूँ, क्योंकि लूज ही था, मुझे इतना ज़्यादा टाइट केज नहीं चाहिए, तो फटाफट से इसको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कितना ज़्यादा चाहिए, देखते हैं कितना इसको देख, हाँ ये तो इतना ही तक लूज था, ये जो आप क्लच देख रहे हैं इतना तक ही लूज था, और उसके बाद ये टाइट होता था, ठीक है। तो केज को मूवमेंट करके देखते हैं केज कैसे होते हैं, तो अभी ऑफ पोजिशन में है फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना ही ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसके ऊपर जो कवर था इसको लगा देते हैं, शायद ऐसे ही होगा, धीरे से आपको लगाना पड़ेगा, बोल्ट सारे लगा लीजिए।
तो शायद आप लोगों को पूरा वीडियो देख के इसके बारे में पता चल गया होगा कि मतलब ये जो क्लच सिस्टम है, इसके फंक्शन जो है, मतलब इसका जो टोटल जो फंक्शन, इसके बारे में पूरा पता चल गया है। तो अगर आपके पास ये डिरेलर है तो आप इसे ऐसे ठीक करना चाहते हैं, मतलब आपका केज जो है अगर थोड़ा बहुत हार्ड है तो आप इसे थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत लूज है तो आप थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको देखा, इसके अंदर जो बोल्ट है उसको थोड़ा बहुत लूज या टाइट करके अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।